अमेठी में ट्रैफिक पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल विनोद कुमार राय की मौत हो गई। रात में अचानक से सीने और पेट में दर्द के दौरान कांस्टेबल की मौत हो गई है, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। अमेठी के गौरीगंज में तैनात थे कांस्टेबल विनोद कुमार राय। वो लखनऊ जनपद के ग्राम मोहिलाल खेड़ा गोसाईगंज के निवासी थे। मौजूदा समय में विनोद कुमार राय की ड्यूटी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रेक्षक की सुरक्षा का दायित्व भी लगातार निभा रहे थे। बरेली में संदिग्ध अवस्था में सिपाही का शव मिलने से हड़कंप मच गया। डायरेक्ट सुबारा में बरेली में सिपाही तैनात था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिपाही की मौत हार्ट अटैक से हुई है, इसकी जानकारी मिल रही है। फिलहाल सड़क पर सिपाही को किसी ने पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। लोग तमाशा बने देखते रहे। इतना ही नहीं, पुलिस भी मूकदर्शक बनी रही। यही वजह रही कि सिपाही को शराबी समझकर बीच रोड पर रहने दिया और उसकी चंद मिनट में ही मौत हो गई। इस सनसनी मौत से उसके परिवार में सदमा है। आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। प्रेमनगर क्षेत्र के लल्ला मार्केट के पास साई गेस्ट हाउस के सामने सिपाही का शव पड़ा मिला। लोगों ने उसे शराबी समझा और लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जानकारी मिली है कि हार्ट अटैक की वजह से सिपाही की मौत हुई। थाना प्रेमनगर के अंतर्गत कोहड़ा पीर में साई गेस्ट हाउस के सामने एक व्यक्ति जो है जमीन पर मृत पाए गए थे। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। पहचान करने पर पता चला कि उनका जो नाम है राहुल शर्मा, उम्र लगभग 40 वर्ष है। ये 2011 बैच के आरक्षी हैं और ये डायलेक्ट 112 में पुलिस लाइन बरेली में रिजर्व में तैनात थे। और इनके इनकी मोटरसाइकिल भी वहीं पर खड़ी थी। और इनके घर वालों के द्वारा बताया गया कि इनका अपनी जो पत्नी है उनसे विवाद चल रहा था और काफ़ी तनाव और परेशानी में रहते थे और शराब का सेवन भी करते थे। पुलिस के द्वारा इसमें पंचायत थाना भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। उसके बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।